जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 जिसके आंसर की है वो आने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आंसर की का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन अभी तक आंसर की है वो ऑफिशियली साइट पे आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एसएससी जीडी 2024 वाली जो भर्ती है उसके आंसर की का जो लिंक है वो एक्टिवेट हुआ है। कल आपने देखा होगा, लगातार बहुत सारे आपने वीडियोज वगैरह देखे होंगे जिसमें आप लोगों को लिंक देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी आंसर की वाला ऑप्शन उसमें नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी छुट्टियां चल रही है, और मैं आपको बता दूं कि आज संडे है, कल मंडे को आप लोगों को आंसर की देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि न्यू वैकेंसी भी आने वाली है, और एसएससी जीडी की इस भर्ती के आंसर की के साथ ही इसका रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट के बाद में कितने दिन बाद में आप लोगों का फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल की तैयारी आप लोगों को अभी से करनी होगी, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा हाल ही में दिल्ली पुलिस का फिजिकल कंडक्ट हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके रिटन एग्जाम में बेहतरीन नंबर थे लेकिन वो फिजिकल पास नहीं कर पाए, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे अभी एसएससी जीडी का भी यहां पर आप एग्जाम दिया है, और वो सारे बच्चे हैं उनकी तैयारी अच्छे से है तो आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बाहर होंगे, और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस भर्ती का रिजल्ट के साथ ही आपका फिजिकल कब तक होगा, उसके साथ ही ज्वाइनिंग कब तक होगी, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, कितनी आपकी हाइट है तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, रनिंग आपकी कितनी होगी, लॉन्ग जंप हाई जंप होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने मीटर का यहां पर लॉन्ग जंप आप लोगों को देखने को मिलने वाला। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली एसएससी जीडी भर्ती के रिगार्डिंग हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को लिंक पे लेके चलता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 वाली जो आपकी भर्ती है उसके आंसर की का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। जैसा कि मैंने कैंडिडेट के रोल नंबर और उसके यहां पर है वो पासवर्ड डाला है, और मैं जैसे ही लॉगिन करता हूं तो भाई इसकी प्रोफाइल ओपन होकर आ जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये आंसर की को चेक करने के लिए जितने भी दिशा निर्देश है वो सारे आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यहां से आप क्लोज करेंगे तो यहां पर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिएगा कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज कैप्स असम राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 लिंक एक्टिवेट हो चुका है। यहीं पर आप लोगों को, यहां पर आप देख रहे हैं, यहीं पर आप लोगों को आंसर की का बॉक्स मिलेगा और उसी में आप लोगों की आंसर की होगी, लेकिन अभी आंसर की अपलोड नहीं की गई है। तो बहुत ही जल्द आप लोगों की आंसर की आ जाएगी, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी चल रही थी उसकी वजह से आंसर की है वो अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन लिंक एक्टिवेट काफी समय पहले एसएससी ने कर दिया था। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों कि आंसर की आप लोगों की है वो 11-12 तारीख के लगभग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और शुरू से मैं आपको यही बात बोल रहा था। अब दूसरी चीज बात करते हैं दोस्तों कि आंसर की जारी होने के कितने दिन बाद में आप लोगों का रिजल्ट है वो एसएससी जारी कर देगी। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं, और ये चीजें जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने मेहनत की है और अगर आप चाहते हैं कि सर इस भर्ती में हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो भाई रिटन के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता। जितना महत्वपूर्ण आपका रिटन एग्जाम होता है उतना ही महत्वपूर्ण आपका फिजिकल होता है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अभी आप लोग रिटन की तैयारी, रिटन एग्जाम आप लोगों ने दे दिया है, पेपर आपका अच्छा हुआ है, तो भाई फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। 8 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं 11 तारीख से लेकर 15 मार्च के बीच में, इसके बीच में आप लोगों के आंसर की जारी होगी। हो सकता है ये आंसर की 11 मार्च को ही जारी हो जाए। आंसर की जारी होने के बाद में 3 से 4 दिन का आपको समय दिया जाता है आंसर की चेक करने का और ऑब्जेक्शन लगाने का, उसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट जारी होता है। देखो आंसर की आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि मार्च लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट है वो एसएससी डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि आप सभी को पता है अगस्त में न्यू रिक्रूटमेंट आना है, और न्यू रिक्रूटमेंट से पहले इस भर्ती का पूरा पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कराना होगा। तो जुलाई तक इस भर्ती का पूरा प्रोसेस होकर फाइनली आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं तो मार्च लास्ट में आप लोगों का है वो रिजल्ट यहां पर जारी हो जाएगा, और रिजल्ट जारी होने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं जिस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा उसके 15 दिन बाद में आप लोगों का
15 दिन बाद ही आप लोगों का यहां पर है वो फिजिकल है वो शुरू हो जाएगा। मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा उसी दिन या उसके अगले दिन आपको एसएससी की साइट पर और सीआरपीएफ की साइट पर नोटिस देखने को मिल जाएगा फिजिकल डेट को लेकर। तो अभी आप लोगों को ये इंतजार नहीं करना है कि कब रिजल्ट आएगा और उसके बाद में मैं फिजिकल की तैयारी करूं। तो भाई आप कभी भी फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका लिस्ट में नाम भी आ गया तो भी आप फिजिकल पास नहीं कर पाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट रहते हैं सर मेरी हाइट इतनी है वेट कितना होना चाहिए। देखो इसको लेकर एसएससी ने पूरा का पूरा जो चार्ट है वो पहले से जारी कर दिया है और मैं आप लोगों को सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले बात करते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर 170 में से तो अगर आपकी 169. कुछ सेंटीमीटर है तो भी आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। तो हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 157 होनी चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं हिल एरिया से, अब हिल एरिया कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए मेल कैंडिडेट की हाइट केवल 165 होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट अगर 162.5 सेंटीमीटर है और फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर है तो भी आप एसएससी जीडी की इस भर्ती में फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जितने भी कैंडिडेट है जो हाइट में छूट ले रहे वो अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट साथ में जरूर लेके जाना, चाहे आप एसटी कैटेगरी से हो। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है एसटी का तो भाई आपको हाइट में छूट नहीं दी जाएगी। फिजिकल के समय आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे लेकिन आपको हाइट में छूट चाहिए, आपको अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है तब भी आपको हाइट में छूट दी जाएगी। अगर ये गलती आप करके जा रहे हैं तो भाई आपको बहुत बड़ा पछताना पड़ सकता है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं वेट वगैरह के बारे में कि वेट वगैरह आपका कितना होना चाहिए तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं जिनकी भी एज है वो 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में है और जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है उन सभी का वेट है वो 52 kg से लेकर 64 kg के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये वेट का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। अगर आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है तो यहां पर आपका वेट है वो 49.5 किलो से लेकर 60 किलो के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 47 किलो से लेकर 58 किलो के बीच में होना चाहिए। इसके साथ में अगर बात करता हूं यहां पर आप देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर जिनकी एज 18 से 22 है और फीमेल कैंडिडेट है उन सभी के लिए 157 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है उनका वेट है वो 40.5 केजी से लेकर 49.5 केजी के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, अगर आपने एसटी कैटेगरी से है या हिल एरिया से बिलोंग करते हैं आप हाइट में छूट लेके जा रहे हैं तो और आपका हाइट 155 सेंटीमीटर है तो आपका वेट है वो 38.5 केजी से लेकर 47.5 केजी के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आपका वेट है 38 किलो से लेकर 46 किलो के बीच में होना चाहिए। ये आप लोगों का रहेगा हाइट का और उसके साथ ही चेस्ट का क्रिटेरिया। अगर मैं चेस्ट की बात करता हूं तो नॉर्मली आपका चेस्ट है वो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट में छूट किनको मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले एक चीज महत्वपूर्ण है वो देख लेना क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे बाहर होते हैं वो रेस में होते हैं। पिछला फिजिकल का रिव्यू उठा के आप एक बार जरूर देख लेना और इस बार भाई समय बहुत कम मिलने वाला है। जिस बच्चे ने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया और जिसके फिजिकल की तैयारी बेहतरीन है वो बच्चा इस बार एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन ले लेगा। अगर मैं बात करता हूं अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपके लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी और इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो 24 मिनट का दिया जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए 1600 मीटर की रेस होगी और उसके लिए आपको 8 मिनट और 50 सेकंड का समय यहां पर दिया जाने वाला है। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी रेस होगी वो 1 माइल की होगी और उसके लिए 6 मिनट और 50 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर रेस होगी और उसके लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। यह रहेगा आपका फिजिकल वाला क्रिटेरिया। तो 5 किलोमीटर की रेस है वो बिल्कुल आप शुरू कर दीजिएगा और अगर आप फीमेल है तो भाई 1600 मीटर की रेस भी आप शुरू कर देना क्योंकि मैं आपको बता दूं रिजल्ट के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है वो मैं आपको बता दूं चेस्ट को लेकर।
बहुत सारे बच्चे चेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो चेस्ट में छूट किसको मिलेगी और कितना आपका चेस्ट होना चाहिए। देखो अगर आप जनरल एससी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली आपका चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसके बाद में 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, एक्सपेंशन लाना है, 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना है। अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से तो यहां पर हाइट के साथ में चेस्ट में भी छूट मिलती है, आपका चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी होना चाहिए। अगर आप कैंडिडेट बिलोंग करते हैं हिल एरिया से, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मली और 5 सेंटीमीटर आपको इसमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, चेस्ट फुलाना है। तो फिजिकल में ये सारी चीजें आप लोगों की सारी एक्टिविटी होने वाली है और अप्रैल में आप लोगों का फिजिकल शुरू हो जाएगा। जो भी बच्चे पेपर दे के आए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको लगता है कि इस बार में क्वालिफाई हो जाऊंगा, क्योंकि 8 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा और यह संख्या लगभग होगी तो लगभग 1.5 लाख के लगभग होगी, तो इतने सारे बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे तो इसमें आपका भी लिस्ट में नाम आ सकता है। और अगर आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की तो भाई आप फिजिकल में बाहर हो जाओगे, इसलिए फिजिकल की तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है। और इसके साथ ही मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके हाइट वगैरह काफी कम है, आरपीएफ का नया रिक्रूटमेंट आ चुका है और जो भी बच्चे आरपीएफ की टारगेटेड और डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से अभी से, तो आप लोगों के लिए हमारा सुरक्षा बैच आ चुका है, सुरक्षा बैच आ चुका है जिसमें आप लोगों को मिलेगी ऑल सब्जेक्ट की क्लासें, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स और सबसे अच्छी बात है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ने का मौका मिलेगा और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। और पूरा का पूरा जो बैच आपको मिल रहा है वो 399 रुपए मिल रहा है 70% से ज्यादा की छूट पर। अभी आप बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीएसएफ ट्रेनमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमारा वर्दी बैच है, बिल्कुल टारगेटेड बैच है और जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक आप पढ़ते रह सकते हैं। इसके साथ ही जिन बच्चों की मैथ वीक है वो हमारा चाणक्य बैच कर सकते हैं जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए काम करेगा, इसमें बिल्कुल बेसिक से और जीरो से पढ़ाया गया है। जिस बच्चे की मैथ कमजोर है और मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है वो बच्चा एक बार इस बैच से तैयारी करके जरूर देखना, हर एक एग्जाम में आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। और पूरा का पूरा जो कोर्स है वो 199 रुपए में आपको दिया जा रहा है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कोर्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आपके आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।